हेलो फ्रेंड्स, ओनली एसएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं और आगे के एग्जामों में इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन बताने से पहले बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मुख्य बातों को हम लोग देखेंगे। ऐसे तो हम जानते हैं बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुई थी, जो कि नेपाल में पड़ती है। इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो कपिल वस्तु के शाक गणराज्यों के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कौशल गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता यानी माया देवी का देहांतवास हो गया। उसके बाद इनका पालन पोषण उनकी मौसी माया देवी के देहांत के बाद इनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन बहुत ही भोग विलास में जिया, लेकिन बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के होने के कारण बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग करने की घटना बौद्ध साहित्य में महाभिक्षुणीक्रमण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिक्षुणीक्रमण कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे याद रखिएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तथा प्रतीक: माता के गर्भ में आना हाथी, बुद्ध का जन्म कमल एम्बुल, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्मचक्र और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु स्तूप जो गुंबद नुमा होता है। इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो इन्होंने सारनाथ में दिया था। इन्होंने 10 सील का सिद्धांत भी दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित 3 रत्न बताए हैं, ये इस प्रकार हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपिटक इसका शाब्दिक अर्थ 3 कटोरी है, यह है सूत, विनय और अधिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में चुंद नामक कर्मकार के हाथों शुगर खाने के कारण कुशीनगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उनके मृत्यु के बाद यानी 483 ईस्वी में उनकी जब मृत्यु हुई थी, उसके बाद बौद्ध से संबंधित 4 महासभाएं आयोजित की गई थीं। प्रथम महासभा 483 ईस्वी में स्थान जैसे आप लोग देख रहे हैं राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय महासभा 383 ईस्वी, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभा कमीर और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करके चलिएगा, यह हुई थी 251 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र और शासनकाल था अशोक का। एसएससी में शासनकाल पूछ देता है तो इसको ध्यान रखिएगा, अशोक का था। चतुर्थ महासभा ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, स्थान था कुंडलवन और शासनकाल था कनिष्क का।
कुंडल वन जो कि कश्मीर में पड़ता है। चतुर्थ यानी चौथे महासभा में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, पहला हीनयान, दूसरा महायान। महायान के शाखा से संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। महायान सुधारवादी प्रवृत्ति के होते हैं, महायान ने ही गौतम बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति पूजा की। बुद्ध ने अष्टगामी मार्ग को भी बतलाया है। चलिए इस बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं हम देखते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं तो इसका आंसर होगा पाली। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला प्रथम धर्म कौन सा था? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यह MTS 2013 में क्वेश्चन पूछा है, तो धर्म कौन सा था? तो यह बौद्ध धर्म था। जैन साहित्यों को क्या कहते हैं? तो अंग कहते हैं। जैन साहित्यों के बारे में मैं यहाँ कुछ बता दूँ आपको। जैन साहित्य में 24 तीर्थकर थे। 24 में महावीर 24वें हुए, ये इम्पोर्टेंट रहता है। पूछ लेता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? जैसा कि मैंने पीछे बताया है यह राजगृह में आयोजित की गई थी 483 ईस्वी में। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, यानी कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? यह भी MTS 2013 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा बिंबिसार, प्रेसनजीत। ठीक, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था, यानी कनिष्क प्रथम था किसका पृष्ठपोषक था? तो यह महायान बुद्धवाद का होगा, जो चतुर्थ महासभा में दो भाग में विभक्त हो गया। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन जो CGL 2013 में पूछा है, इनके प्रथम महाप्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है इन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, इसको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय नहीं है? तो यह थेरवाद नहीं है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध, यानी बौद्ध धर्म में सार का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो ये होगा जन्म के साथ। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होता है। पर्षण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह जैनियों द्वारा मनाया जाता है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, किनके किनके हैं? तो यह होगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एलोरा की गुफाएं मैं बता दूंगा आपको, यह महाराष्ट्र में पड़ती है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, यानी बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? यह भी CGL में 2005 में आपको पूछा गया है, जिसे आप देख सकते हैं। यह है त्रिपिटक। इसका आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। त्रिपिटक के संबंध में मैं आपको जैसे बता दूं, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। इसमें तीन ग्रंथ है पहला सत्तुपीठक। पहला कौन सा है? तो सत्तुपीठक। दूसरा विनय पीठक और तीसरा अभिधम पीठक। पहले ग्रंथ में बुद्ध के धार्मिक संग्रहों का वर्णन है, जबकि दूसरे यानी विनय पीठक में बौद्ध धर्म के संघों के नियमों का वर्णन करना है, यानी बौद्ध धर्म के धर्म में जो संघ बनाया था उसमें कैसे रहना उसके बारे में बताया गया। और तीसरा अभिधम पीठक है, जो तृतीय महासभा हुई थी उसके बारे में वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टगामी मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया, जैसा कि हमने पीछे बताया है यह गौतम बुद्ध ने किए थे। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, यह वर्ग था कौन, तो स्त्री और शूद्र। यह सीपीओ परीक्षा 2003 में पूछा गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयुक्त भाषा कौन सी थी, तो यह ब्राह्मणी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।